हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पीक जी न्यूज़। फ्रेंड्स, आज हमारी टीम इंडिया की राजधानी न्यू दिल्ली पहुंची हुई है और यहां पर हमने सोचा क्यों ना आपको यहां की कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस और दर्शनीय जगहों का दीदार कराएं। और इसी क्रम में आज हम आपको लेकर के आए हुए हैं इंडिया गेट के सामने। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इंडिया गेट का जो नज़ारा है उसका घर बैठे दीदार कर सकें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन और कितना ज़बरदस्त नज़ारा है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपकी नज़र जिधर कहीं भी जाएगी, चारों तरफ आप देख सकते हैं पर्यटक जो कि दूर दूर से आए हुए हैं, इस अद्भुत नज़ारे का लुत्फ़ उठा रहे हैं। और आज दिल्ली का मौसम भी बहुत खुशनुमा है, हल्की हल्की धूप है और बहुत सर्दी भी नहीं है, क्योंकि मौसम अब थोड़ा थोड़ा गर्म होने लगा है। आप देख सकते हैं ये वही जगह है जहां पर 26 जनवरी को भारतीय सैनिकों के द्वारा परेड होती है और उसमें विदेश से कई अतिथि आते हैं, भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी की मौजूदगी होती है। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना हरा भरा नज़ारा है, चारों तरफ हरियाली है और बहुत बड़े क्षेत्रफल में पूरा इंडिया गेट का जो कैंपस है वो फैला हुआ है। यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोग जो है ये हरी भरी घास में बैठे हुए हैं और मौसम का आनंद ले रहे हैं। और इसके जस्ट सामने आप देख सकते हैं राष्ट्रपति भवन आपको दिख जाएगा, जो कि भारत की शान में सीना ताने हुए खड़ा हुआ है। और भी अभी कई नज़ारे आपको हम दिखाने का प्रयास करेंगे जितना हो सकेगा, फ़िलहाल आप इन नज़ारों को देखते जाइए। कितना हसीन और कितना बेहतरीन नज़ारा है, कितना हरा भरा नज़ारा है। और जल्द ही हम इंडिया गेट के करीब पहुंचने वाले हैं, आपको और पास से हम तस्वीरों को दिखाने का प्रयास करेंगे जितना नज़दीक से हो सकेगा, क्योंकि हम ये विश करते हैं कि आप घर बैठे हमारे चैनल के माध्यम से इन दर्शनीय जगहों का दीदार कर सकें। अभी आने वाले समय में जल्द ही हम हैदराबाद, मुंबई और गुजरात की सैर पर निकलेंगे और वहाँ की जितनी भी कवरेज होंगी हम आपको वहाँ की दर्शनीय जगहों को ज़रूर दिखाने का प्रयास करेंगे। तो आप देखते जाइए कितना बढ़िया नज़ारा है इंडिया गेट के सामने का। ये वही जगह है जहाँ पर 15 अगस्त और 26 जनवरी को परेड होती है, भारतीय सैनिकों के माध्यम से बहुत सारी झांकियाँ यहाँ भारत के हर एक स्टेट से आती है और उसका यहाँ पर प्रदर्शन किया जाता है। बहुत खिली खिली धूप है और बहुत अच्छा नज़ारा है आज यहाँ, बहुत पर्यटक भी दूर दूर से आए हुए हैं। अभी आपको हम कुछ पर्यटकों से मिलवाएंगे भी और उनसे पूछना चाहेंगे कि इंडिया गेट का दीदार करने के बाद उनको कैसा लगा। यहाँ पे देखिए एक छोटी बच्ची आई हुई है और एक और बच्ची है, आइए आपको मिलवाते हैं। ये बच्ची थोड़ा शर्मा रही है, ये देखिए एक बच्ची आई है, ये बच्ची आपको बताएगी। बेटा कहाँ से आए हुए आप? हम दिल्ली से आए। अच्छा, आप दिल्ली के ही हो? हाँ। अच्छा, कौन सी क्लास से पढ़ते हो आप? फिफ्थ। अच्छा, फिफ्थ में। आपको इंडिया गेट कैसा लगा? बहुत अच्छा। ठीक है, थैंक यू बेटा। देखिए तो ये छोटी बच्ची है, दिल्ली के ही निवासी है और फिफ्थ क्लास की स्टूडेंट है। इसने बताया कि मुझे इंडिया गेट बहुत पसंद है। एक और छोटी बच्ची देखिए, मैं इससे मिलवाता हूँ आपको। ये देखिए बच्ची अपनी मम्मी के साथ, लेकिन मुझे लग रहा है ये शर्मा रही है। बेटा कहाँ से आए हो आप? दिल्ली से। अच्छा, दिल्ली से हो, इंडिया गेट घूमने आए हो? अच्छा ठीक है बेटा, थैंक यू। तो देख सकते हैं आप, हम लगातार आपको हम इंडिया गेट के करीब लेकर के चल रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं बहुत हरा भरा नज़ारा है और बहुत बहुत थैंक यू यहाँ की गवर्नमेंट यानी अरविंद केजरीवाल जी को, जिन्होंने इतना बढ़िया इसको
सजाने संवारने का प्रयास किया है और उनके द्वारा जो भी प्रयास किया जा रहा है वो बहुत अच्छा है और उम्मीद करता हूँ वो ऐसे ही दिल्ली को चमकाते रहेंगे और अपनी छाप भारत के नक्शे पर छोड़ते जाएंगे। तो देखिए अब कितना ज़बरदस्त नज़ारा है इंडिया गेट का, घर बैठे आनंद लीजिए और आपको जब भी मौका मिले तो दिल्ली ज़रूर आइए और इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन और ऐसी यहाँ पे तमाम जगहें हैं जिसका आप दीदार कर सकते हैं और आनंद उठा सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं अभी अगली किसी जगह को लेकर के, फिर से हम कोशिश करेंगे आपको और भी जगहों का दीदार कराएं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।